हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल राउंडर। मेरे पास ये कुछ कुल्हड़ वेस्ट पड़े थे, तो आइए इनसे बनाते हैं एक डेकोर आइटम। ये यूज़ किए हुए कुल्हड़ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ीरो कॉस्ट आइटम, ये बहुत ही इजी डेकोर बनने वाला है और आप सबको बहुत पसंद आएगा और बनकर सुंदर भी बहुत लगेगा। चलो सबसे पहले इस पर हम वाइट पेंट कर लेते हैं, वाइट एक्रिलिक पेंट। हो सकता है मुझे इसकी दो कोट करनी पड़े, क्योंकि हो सकता है ये मिट्टी के हैं और ये थोड़ा सा कलर एब्जॉर्ब कर लें। तो देखो, ये मैंने वाइट कलर कर लिया है दोनों पे, मैंने एक ही कोट किया है, उसी से मुझे मेरे मुताबिक का कलर मिल गया है जितना मुझे ज़रूरी था। अब मैं कुछ यहाँ पर ड्रॉ करने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ और क्या ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही इजी सा पैटर्न मुझे ड्रॉ करना है, कुछ ज़्यादा टफ ड्रॉ मुझे भी नहीं आता है, इसलिए कुछ आइज़ और ये नोज़ और ये एक स्माइली सा फेस। वीडियो क्वालिटी के लिए दोस्तों मैं आपसे थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया है, मुझे वीडियो की एडिटिंग ज़्यादा नहीं आती है। इसी तरह दोस्तों हम दूसरे कुल्हड़ पर भी कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा हम पैटर्न को चेंज कर देंगे, इसमें हम स्माइल थोड़ा और तरीके से देंगे, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा स्माइल में चेंजेस किया है, क्योंकि मैं पेयर में बनाना चाह रही हूँ, दोनों डेकोर पीस पेयर बनेंगे। तो अब मैंने ये रेड एक्रिलिक पेंट ले लिया है और देखिए मैं कैसे पेंट करती हूँ। इन कुल्हड़ से दोस्तों आप अपने किचन में डेकोर कर सकते हो, अपने बाथरूम में। मैं तो इन्हें अपने रूम में रखने वाली हूँ, लेकिन बाथरूम में जैसे हम ईयरबड्स, कॉटन बड्स रखते हैं, वो हम इनमें रख सकते हैं। और किचन में भी हम इसे स्मॉल प्लांटर की तरह और छोटे छोटे पीसेज अपने अंदर, किचन में छोटी छोटी आइटम्स की ज़रूरत होती है, जैसे सेफ्टी पिंस या रबर बैंड्स, तो उन्हें इसमें हम रख सकते हैं और साथ में डेकोरेटिव भी लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऊपर टॉप पर थोड़ा रेड कलर कर दिया है राउंड में और साथ में इसके फेस पर भी कर दिया है। और इस पर मैं ब्लैक एक्रिलिक से कलर कर रही हूँ, आप देखिए क्या कलर करती हूँ। ये देखिए, इसकी मैं आईज और नोज ये दोनों ही ब्लैक पेंट करूँगी। वीडियो क्वालिटी के लिए दोस्तों फिर से मुझे एक बार माफ़ कर देना, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। अभी मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने इस तरीके से शूट किया है इसे। ये देखिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है, उसी तरह रेड में मैंने ब्लैक पेंट कर दिया था। बहुत टिपिकल ड्राइंग नहीं है और बहुत टिपिकल भी नहीं है, ये बहुत ही इजी पैटर्न लिया है मैंने। ये देखिए, ये परमानेंट मार्कर है जिससे मैं आईब्रोज बना रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक पेंट से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ब्लैक स्केच से भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लें। ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर। नीचे भी मैं इसमें रेड कलर कर दूंगी फिनिशिंग के लिए। अब मैंने ये चार खाली बोतल के ढक्कन ले लिए हैं, खाली बोतल होती है ना पानी की, या हमारे पास कोई ड्रिंक आई होती है, तो इनको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है, बैक साइड से किसी भी कलर के हों। और इसमें मैंने साइडों में छेद किया है गरम सुई करके, आप इन्हें साइड में हर एक ढक्कन
ढक्कन पर एक छेद कर दें और एक थ्रेड लेके उसे डबल करके और दो ढक्कन में हम डाल देंगे। आप देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनमें डाल दिए हैं, इजीली चले जाएंगे दोस्तों ये। इसके बाद एक साइड पे आप थोड़ा नॉट लगा दें और इसी तरह से दूसरे वाले ढक्कन में ये दूसरा सिरा डाल देंगे। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग करके हम बड़े महंगे महंगे डेकोर आइटम मंगा लेते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और जबकि हमारे घर पर ही जीरो कॉस्ट में ही खाली बेकार पड़े सामानों से ही हम बहुत सुंदर सुंदर डेकोर आइटम बना सकते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो थोड़ा सा ट्राई करें, 10 मिनट में आपका बहुत अच्छा डेकोर आइटम तैयार हो जाएगा और बच्चों की भी तारीफें मिलेंगी और पैसे भी नहीं खर्च होंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने दो ढक्कन दो सिरे पर एक थ्रेड के साथ बांध दिए हैं। थ्रेड आप कोई भी ऊन भी ले सकते हैं, मेरे पास एक सूती धागा पड़ा था मैंने वही लिया है। ये देखिए ये दूसरे कुल्हड़ के लिए हैं। अब देखिए इन्हें मैं कैसे लगाती हूँ। इन्हें मैं नीचे की तरफ ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दूंगी। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है दोस्तों। कुछ भी मैंने बाहर से नहीं लिया है, कुछ भी परचेज नहीं किया है और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और इस तरीके से ये थ्रेड इससे अच्छे से पेस्ट हो गया। और ये देखिए दोस्तों लग रहा है ना सुंदर। तो इसी बात पे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है ऑल राउंडर्स। धन्यवाद दोस्तों।